नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। हम हैं इस समय होटल कलश तेजपुर के रूम नंबर 105 में। रूम नंबर 105 एक डीलक्स कैटेगरी का रूम है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे होटल कलश तेजपुर के डीलक्स कैटेगरी के रूम के बारे में और देखेंगे क्या क्या फैसिलिटीज़, क्या क्या एमिनिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं होटल कलश के द्वारा इसके डीलक्स कैटेगरी के रूम में। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। होटल कलश तेजपुर के मिशन चारियाली एरिया में लोकेटेड है। मिशन चारियाली एरिया से अप्रॉक्सीमेटली 100 मीटर के डिस्टेंस पर ये होटल लोकेटेड है। आपको टूवर्ड्स गजराज ऑडिटोरियम की तरफ आना होगा और राइट हैंड साइड में आपको होटल कलश मिलेगा। ये सामने जो डोर देख रहे हैं, दिस इज़ एंट्रेंस ऑफ दिस रूम। चलिए एक बार बाहर का व्यू देख लेते हैं किस तरीके से दिखता है। This is the outside view. Door को हम कर देते हैं close. Room में अंदर आने के साथ right hand side पे सबसे पहले आपको मिलता है यहाँ wardrobe. इसे open करके हम देख लेते हैं। अंदर आपके लिए मिलते हैं कुछ हैंगर्स, नीचे कुछ स्पेस दिया हुआ है आपको लगेज वगैरह रखने के लिए। दैट्स ऑल। वार्डरोब को कर देंगे हम क्लोज। राइट हैंड साइड पर आपके लिए था वार्डरोब और डोर से अंदर आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलता है एक सीटिंग अरेंजमेंट के लिए एक सोफ़ा और एक छोटा टेबल, जिसके लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलता है दो ट्विन बेड 6 feet by 3 feet ईच। दोनों बेड के बीच में आपको मिलता है बेड साइड टेबल और इंटरकॉम के लिए टेलीफोन। बेड से अगर सामने की बात करेंगे तो सामने का व्यू कुछ इस तरीके से आता है। राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं एंट्रेंस डोर ऑफ दिस रूम, वार्डरोब। सामने आपको मिलता है टेलीविज़न, हालांकि टेलीविज़न की साइज़ बहुत छोटी है। कॉम्प्लीमेंट्री आपको मिलती हैं दो हाफ लीटर की वाटर बॉटल। यहाँ आपको तीन दिख रही हैं, तीन में से एक मेरी खुद की है तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है केवल दो, मतलब एक लीटर पानी आपको मिलता है कॉम्प्लीमेंट्री। यहाँ टी, मिल्क एंड शुगर सैशे, इलेक्ट्रिक कैटल, जग, ग्लास एंड कप। स्टडी के लिए आपको यहाँ मिलता है चेयर एंड अ टेबल। यहाँ कुछ स्पेस आपको दिया जाता है लगेज वगैरह रखने के लिए। एक लगेज रखने के लिए स्पेस आपको मिलता है इधर, उसके ठीक ऊपर आपको मिलता है वर्टिकल वॉल मिरर। टेलीविज़न के साइड से अगर हम सामने का व्यू देखेंगे बेड के साइड का तो कुछ इस तरीके का व्यू आता है। लेफ्ट हैंड साइड में डोर, इधर सोफ़ा एंड अ टेबल, दो ट्विन बेड 6 feet by 3 feet ईच, बीच में बेड साइड टेबल। बेड के ठीक ऊपर अगर हम देखेंगे तो यहाँ हमें मिलते हैं दो LED लैंप, एक जल रहा है एक नहीं जल रहा। और बेड के लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की साइड में यहाँ मिलता है आपको एयर कंडीशनिंग सिस्टम और एयर सर्कुलेशन के लिए मिलता है ये फ़ैन। ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है दिस ग्लास सेक्शन, इसके पीछे वॉशरूम है। इसको पूरा वॉलपेपर से कवर किया गया है सो दैट कि जो ट्रांसपेरेंसी इस ग्लास की उसको ख़त्म किया जा सके और अंदर कौन नहा रहा है या क्या कर रहा है ये किसी को पता ना चल सके। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में जो डोर आप देख रहे हैं दिस डोर इज़ द डोर ऑफ वॉशरूम। इसको ओपन करके देख लेते हैं एक बार क्या क्या चीज़ें हैं अंदर। अंदर आने के साथ ही राइट हैंड साइड में आपको मिलता है WC, इसके ऊपर आपको मिलता है गीज़र, यहाँ पर मिलता है आपको शावर, नीचे बकेट एंड मग। यहाँ आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है सोप एंड अ शैम्पू। इसके बाद शावर के सामने की साइड में हम देखेंगे तो यहाँ हमें मिलता है टॉवल और ये सेक्शन जो पीछे ग्लास वाला सेक्शन था उसको कवर किया गया है इस कर्टन से। इसके बाद यहाँ आपको मिलता है वॉश बेसिन और ऊपर वॉल मिरर। बेसिक टॉयलेट्रीज़ के रूप में अगर हम बात करें तो यहाँ केवल आपको मिलता है सोप और यहाँ मिलता है आपके लिए हैंड टॉवल। तो चलिए कर देते हैं वॉशरूम के डोर को क्लोज़। ये सेक्शन की बात करें अगर तो दिस इज़ विंडो ऑफ दिस रूम।
कर्टन हटा करके एक बार बाहर का व्यू हम देख लेते हैं। दिस इज आउटसाइड व्यू फ्रॉम दिस रूम, विंडो से बाहर का। ये सामने जो रोड दिख रहा है, दिस इज़ हाईवे, और कुछ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़। इधर काफ़ी सारे पेड़ हैं, रात के समय हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है। आई विल ट्राई टू अपलोड द डे व्यू फ्रॉम दिस विंडो। दोस्तों, मॉर्निंग के टाइम में विंडो से बाहर का व्यू कुछ इस तरीके का है। आप देख सकते हैं चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी, अ काइंड ऑफ लैंडस्केप ब्यूटी। विंडो को हम कर देते हैं क्लोज, हटा देते हैं कर्टन को। यहाँ इस होटल का मेन्यू रखा हुआ है, हम एक बार रेट चेक कर लेते हैं सो दैट हमें एक आइडिया लग जाएगा। रेट इज़ एट कॉस्टलियर साइड और एट रीजनेबल साइड, ये आप देख सकते हैं। दिस इज़ ब्रेकफास्ट मेन्यू, दिस इज़ फास्ट फूड आइटम, टेस्टी बाइट्स बिटवीन द ब्रेड्स, टेस्ट ऑफ इटली, इटालियन फूड। दिस इज़ साउथ इंडियन डिशेज, सूप वेजिटेरियन, सूप नॉन वेजिटेरियन, चाइनीज स्टार्टर, मेन कोर्स वेजिटेरियन, मेन कोर्स नॉन वेजिटेरियन, नूडल्स एंड राइस, रायता एंड सैलड्स, दिस इज सम तंदूरी आइटम्स। इससे आपको काफ़ी कुछ आइडिया लग चुका होगा रेट का। तो दोस्तों, अगर आप तेजपुर आ रहे हैं तो होटल कलश को अपनी कंसिडरेशन लिस्ट में रख सकते हैं, बिकॉज़ ये होटल एक ऐसे जगह पर लोकेटेड है जहां से लगभग सभी जगहों के लिए ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है। अगर आप गुवाहाटी जाना चाहते हैं, जोरहट जाना चाहते हैं, डिब्रूगढ़ जाना चाहते हैं, तो हर जगह के लिए बसेस इस होटल के नीचे से ही आपको मिल जाएंगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, इससे अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए। आपके जो भी सुझाव हो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।